तो यार ये वीडियो बैटरी रिपेयरिंग का पार्ट 2 है दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इस चार्जर में काफी बढ़िया तरीके से बैटरी को रिपेयर करके लगा लिया था। अब चार्जिंग में लगाए हुए 5 मिनट हो चुका है तो काफी बढ़िया तरीके से इस बैटरी को निकाल लिया हूं। और आपको यहां पर एलईडी लगाकर चेक करके दिखा दे रहा हूं कि कोई सा भी एलईडी यहां पर ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि तो अभी भी हमारी ये बैटरी खराब है। तो अब मैं इस बैटरी के ऊपर लगे हुए प्लास्टिक को काफी बढ़िया तरीके से हटा लेता हूं। प्लास्टिक को हटाने के बाद से इसके ऊपर लगे हुए बीएमएस को देखने वाले हैं। जब तक मैं इस बीएमएस को निकालता हूं तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर ऐसे आपको नॉलेजफुल और दोस्त फास्ट वीडियो मिलता रहेगा। मेरे को लग रहा है कि ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम खराब हो चुका है तो मैं इसे तोड़कर बाहर निकालने वाला हूँ। इसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर देख सकते हो कितना कार्बन लगा हुआ है। मैं इसे काफी बढ़िया तरीके से नोच कर बाहर निकाल लिया हूँ, अभी तो इस प्रकार से तोड़ लीजिएगा। ये काम आप काफी सेफ्टी के साथ कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर एलईडी लगाकर दिखा देता हूँ कि क्या सच में ये बैटरी ठीक हो चुका है। तो दोस्त देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से ये हमारा एलईडी ग्लो कर रहा है, यानी कि अब हम इस बैटरी को 100% रिपेयर कर चुके हैं। तो आपने देखा कि इस प्रकार से फुले हुए बैटरी को काफी बढ़िया तरीके से हमने रिपेयर करके आपको दिखा दिया। शानदार रिपेयरिंग के लिए एक लाइक तो बनता है, और ऐसे क्रिएटिव कंटेंट के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।